देखिए, अलग अलग हम लोग बात करें तो हमारे पास आइसोलेशन बेड्स जो हम लोग विदाउट ऑक्सीजन और विथ ऑक्सीजन वाली जो है उसमें लगभग हम लोग को जितनी आवश्यकता हम लोगों ने असेसमेंट की होम आइसोलेशन वाला हटाकर उसके हिसाब से मुश्किल से 15-20% कैपेसिटी हमको और ऐड करने की आवश्यकता है। आईसीयू बेड्स में और जो वेंटिलेटर्स हैं उनमें हमको क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, उसमें लगभग हमको अभी अपनी 50% क्षमता बढ़ानी पड़ेगी जितनी अपने पास उपलब्ध है उसमें। तो उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग जो मैं जैसा मैंने बताया प्लान, देखिए टेस्टिंग क्षमता में जैसा मैंने बताया कि हम लोग टेस्टिंग क्षमता हमारे लिए कोई अभी बॉटलनेक नहीं है। हम लोग बड़ी संख्या में सैंपल्स हर दिन ले रहे हैं, 1000-1100 सैंपल हर दिन हो रहे हैं, उन सभी को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अन्य जिलों से भी 400 के सैंपल आ रहे हैं करीब, तो रोज़ हम लोग 1600-1700 सैंपल्स हैंडल कर रहे हैं। तो प्राइवेट लैब की क्षमता हम लोग उपयोग कर रहे हैं और प्राइवेट लैब्स अभी तक हमारे साथ जो काम करने को तैयार हो गई हैं उसमें सेंट्रल लैब हो चुकी है, सुप्राटेक ऑलरेडी काम कर रही है, स्टर्लिंग काम कर रहा है और एक कृष्णा डायग्नोस्टिक की लैब है, ये चार लैब तो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रही हैं। तो हम लोग जितने कर पाते हैं उसके अलावा शेष हम इनके माध्यम से करा लेते हैं, तो वो क्षमता हमने क्रिएट की हुई। देखिए, होम आइसोलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना हम लोग चाह रहे हैं, जहाँ पे भी अलग से रूम पेशेंट को टॉयलेट के साथ दिया जा सकता है उन सबको हम एनकरेज कर रहे हैं कि ये लोग होम आइसोलेशन में रहें, जो कि माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक टाइप के पेशेंट हैं। और जनरली ये देखा गया है कि 70-80% पेशेंट ऐसे ही होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते या बहुत हल्के सिम्टम्स होते हैं। ऐसे सभी केसेस में हम लोग एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोग होम आइसोलेशन में रहें और उनके लिए पूरी एक व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है, जिसके माध्यम से उनको एक ऐप के माध्यम से भी वो अपनी रोज के आंकड़े जो उनका सब चीज़ें हैं, टेम्परेचर है या दूसरी चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर, ये सब दे सकते हैं। और एक बहुत अच्छी व्यवस्था उसमें बनाई है, ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए भी व्यवस्था उसमें बनाई गई है पता करने के लिए। तो उसके तहत होम आइसोलेशन को सबसे ज़्यादा हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ़ केसेस कुछ ज़्यादा आए थे तो उसके हिसाब से कंटेनमेंट करने के लिए उसको किया गया है। और हम लोग अगर देखें तो कंटेनमेंट निश्चित रूप से काम भी करता है, क्योंकि कई एरियाज हमारे यहाँ ऐसे देखे गए हैं जिसमें फर्दर कोई केस 15-1 दिनों से नहीं आए, जिसका मतलब वहाँ कंटेनमेंट करने से फ़ायदा हुआ।